मैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने सेवा ही संगठन ये नारा देकर देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा भाव से इस कोरोना महामारी को हराने में और भारत को जिताने में आगे बढ़ाया। एक और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की क्षमता को बढ़ाने का काम किया, भारत में लाखों पीपी किट्स आज एक दिन में बनती हैं, करोड़ों मास्क बनते हैं, यहाँ तक कि लाखों वेंटिलेटर्स बनाकर देश के सभी राज्यों को देने का काम भी पीएम केयर्स के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहली वेव में कोरोना की 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में राशन भी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश जब दिया तो देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने राशन, अनाज और बाकी सब पहली लहर में देने का काम भी किया था। और दूसरी लहर जब कोरोना की आई तब जहां जिस तरह की जरूरत पड़ी उसको पूरा करने का भी प्रयास किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को कहा कि एक और माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार की तरफ से कर रहे हैं, आप संगठन के माध्यम से सेवा कीजिए और भारत को कोरोना के खिलाफ जिताइए। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते 16 मई को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन किया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए 4 लाख मास्क, 25,000 ग्लव्स, 10,000 पीपी किट, 10,000 फेस शील्ड और लगभग 10,000 के लगभग ही ऑक्सीजन मास्क और NRM और 1500 ऑक्सीजन रेगुलेटर, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्सी ऑक्सीमीटर देने का काम। अध्यक्ष जी ने अपना कीमती समय भी दिया और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने के लिए उस समय राहत सामग्री भेजी थी। एक बार फिर उन्होंने अपना कीमती समय आज दिया है। हिमाचल प्रदेश में हम 700 बेड्स के लिए ऑक्सीजन की सुविधा कर रहे हैं और इसमें 160 ऑक्सीजन सिलेंडर, 108 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 2 PSA प्लांट 140-140 LPM के आज रवाना कर रहे हैं। हिमाचल में पहुंच जाएंगे, लग जाएंगे और कुल मिलाकर 700 बेड की क्षमता के लिए 330 बेड की क्षमता आज ही एक तरह से हिमाचल को मदद मिल जाएगी। मैं इसलिए इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इनकी प्रेरणा के कारण ही हम लगातार आगे बढ़े हैं। और जब आप देश के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, आपने माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और आपके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को एम्स अस्पताल, PGI अस्पताल, 6 मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं मिली। आज उसके कारण भी हम जंग लड़ने में हमें मदद हो पा रही। तो एक और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश में 23 करोड़ वैक्सीन आज तक दे चुके हैं, 21 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि देश की है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ, जहाँ हम एक एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की सरकारें जहाँ PM केयर्स के वेंटिलेटर गए तो एक कोने में फेंक दिए, उसको इस्तेमाल नहीं किया। पंजाब एक उसका बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में तो धौलपुर में वो ऑक्सीजन, वो वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए थे। आज एक बड़ी खबर राजस्थान के बारे में छपी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते थे विपक्ष के लोग कि कहां पर वैक्सीन है, तो आज डस्टबिन में पाई जाती है। कांग्रेस शासित राज्यों में हजारों की तादाद में वैक्सीन डस्टबिन में पड़ी मिली, हजारों लोगों की जान बच सकती थी। क्या इसका जवाब ये विपक्ष के लोग दे पाएंगे? हम सेवा भावना से काम कर रहे हैं, ये राजनीति का काम कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके आदेशानुसार पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी इस मंच से पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संदेश दें और हरी झंडी देकर ये सामान को रवाना भी करें। आप आशीर्वाद देने आए, मैं समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ और देश के कार्यकर्ताओं की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपना आशीर्वचन भी दें और उसके बाद हरी झंडी देकर
सामान को रवाना भी करें। बहुत बहुत